Hi friends, my name is Yasim and you are watching How to 3D. Friends who have not subscribed the channel yet, they still subscribe to the channel so that you get more informative videos every time. So, kaise hain aap? Aaj main aapko HDRI V-Ray Next 5.23 aur 3D Max 23 mein kaise use karte hain, uske bare mein main aapko bataunga. To Google Drive pe aapne simple jo link hoga video ke niche डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, वहाँ से आपने लिंक को विजिट करना है और सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करेंगे. नेक्स्ट जब वो डाउनलोड हो जाएगी फाइल आपके पास डाउनलोड के फोल्डर में आ जाएगी. यहाँ पर डाउनलोड के फोल्डर में जाकर आपने उसको सिंपल एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट टू 1 HDRI Volume 1. इसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा जो कि है 1 2 3. इसको ओके कर देंगे तो ये फाइल आपके पास एक्सट्रैक्ट हो रही है. अभी ये कुछ सेकंड में एक्सट्रैक्ट हो जाएगी. फाइल मेरे पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है तो ये आ गया आपके पास फोल्डर जिसमें ये 10 HDRIs हैं. ये आपकी फाइल्स हैं HDRI की और ये आपकी कैटलॉग है कि इसमें क्या कुछ आपके पास आपको मिला है. इस तरह सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉलेशन तो नहीं होगी, सिर्फ आपने उसको फाइल में इंपोर्ट करना है. तो मैं अभी 3D Max 22 को ओपन कर रहा हूँ. 22, 23 दोनों में एक ही तरह यूज़ होगा. अभी मेरे पास इस पीसी में 22 अवेलेबल है तो मैं आपको उसमें बता देता हूँ. 23 में भी सेम इसी तरह यूज़ होगा. अगर किसी को कोई इसमें इशू हुआ तो आप मुझे कमेंट्स में भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. जी 3D Max ओपन हो चुका है. अब मैंने एक फाइल रेडी की हुई है. HDRI इसकी फाइल ओपन कर लेंगे. सिंपल आपको समझाने के लिए कि इसमें HDRI अप्लाई किस तरह करना है और वो अप्लाई होने के बाद उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आपके प्रोडक्ट पे किस तरह का होगा. तो अभी मैंने यहाँ पे लगाई है V-Ray लाइट जो कि डोम में है. इसको अप्लाई किस तरह करना है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ. सिंपल आपने लाइट्स में जाना है. लाइट्स में आपने सेलेक्ट करना है V-Ray. V-Ray के बाद आपने लगानी है V-Ray लाइट. V-Ray लाइट पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर आ रहा है प्लेन. प्लेन को अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे काफ़ी लाइट्स की ऑप्शन है जिसमें डोम है, स्फेयर है, मैश है, डिस्क है. तो इसमें हमने सेलेक्ट करनी है डोम लाइट. डोम लाइट को सिलेक्ट करने के बाद आपने कहीं पर भी वर्किंग जो शीट है उसके कहीं पर भी क्लिक कर देना है तो ये आपकी लाइट जो है वो अप्लाई हो जाएगी. अब लाइट की डिटेल में अगर आप जाएँ तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर एक मैप की ऑप्शन है. उसके नीचे डोम लाइट की ऑप्शन है जिसमें मैंने स्फेयर को क्लिक किया हुआ है. वैसे ये क्लिक नहीं होता, आपने इसको खुद जाके क्लिक करना होता है. स्फेयर पर क्लिक करने से आपका HDRI एक जिस तरह अर्थ हमारी स्फेयर है तो वो उस तरह वो अप्लाई हो जाएगा. एक गोल शक्ल में, एक राउंड सर्कल में आपके पास वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा. में मटेरियल आपने किस तरह ऐड करना है, मैप जो है इसमें किस तरह ऐड करना है, सिंपल आपने M प्रेस करना है कीबोर्ड पे तो आपके पास मटेरियल एडिटर आ जाएगा. मटेरियल एडिटर में आपने किसी भी खाली स्फीयर के ऊपर क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपने गेट मटेरियल पे क्लिक करना है. गेट मटेरियल पे क्लिक करने के बाद आपने आना है मैप्स. मैप्स के नीचे आपके पास जो V-Ray इंस्टॉल होगा उसका एक ऑप्शन आएगा V-Ray. V-Ray पर आने के बाद आप डायरेक्ट HDRI भी ऐड कर सकते हैं. काफ़ी लोग HDRI भी यूज़ करते हैं ऑप्शन में, लेकिन मैं V-Ray बिट मैप यूज़ करता हूं. तो V-Ray बिट मैप को आप डबल क्लिक करेंगे तो वो आपसे एक HDRI की फ़ाइल मांगेगा. HDRI की फ़ाइल मांगेगा तो आपने अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाकर जो आपने HDRI अप्लाई करनी है कैटलॉग में आप देख लें. अगर आप कैटलॉग में नहीं भी देख रहे, जिस पर आप सिंगल क्लिक करेंगे तो उसका प्रीव्यू यहाँ पर आ जाएगा. तो मैं अभी यहाँ पर अप्लाई करता हूँ. एक आफ्टरनून का हमने देखा था इफ़ेक्ट,
जिसमें लाइट काफ़ी थी। जो ये है 03 नंबर जो है, इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास जो है HDRI की प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं। प्रॉपर्टीज़ जब आ गई हैं तो इसमें आपने सेटिंग किस तरह करनी है, मैपिंग टाइप में आप जाएंगे तो इसको आपने करना है स्फेरिकल। स्फेरिकल करेंगे तो ये अर्थ की तरह अप्लाई होगा। स्फेरिकल करने के बाद सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक करके इसको ड्रैग करना है डोम लाइट के ऊपर और इसको कर देना है इंस्टेंस। इंस्टेंस का मीनिंग ये है कि जब आप यहाँ पर कोई चेंजिंग करेंगे तो जो यहाँ पर उसका लिंक कॉपी होगा उस पर भी वो ये चेंजिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अगर आप सिंपल कॉपी करेंगे तो अगर यहाँ पर आप अगर आप कोई चेंजिंग करते हैं जो आपको नेक्स्ट आपके काम में आपको मदद होगी, ज़रूरत होगी चेंजिंग करने की, तो वो वहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, तो हर बार आपको यहाँ से वहाँ जाकर कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये सेम मैप जो है वो अप्लाई हो चुका है। तो इसको एक दफ़ा मैं शो मटेरियल भी कर दूँगा। अप्लाई हो चुका है तो इसको मैं अभी रेंडर करके देख लेता हूँ कि इसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। उसके बाद इस स्फीयर को मैं कोई भी अभी सिंपल मटेरियल लगा देता हूँ। जी F9 हम क्लिक करेंगे, F9 से होता है रेंडर। जी ये स्फेयर हमारे पास आ गया है। स्फेयर का आप देख रहे हैं कि शेडो आ रहा है इस तरफ। अगर शेडो इस तरफ आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सन हमारा इस तरफ है। ठीक है, अभी लाइट मुझे काफ़ी डल लग रही है, इसकी लाइटिंग हम सेट कर लेंगे। फिर प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे तो यहाँ से ओवरले मल्टीप्लायर जो है वो आप 5 कर दें। मैं भी 5 कर रहा हूँ, इसको आप कुछ भी कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं। उसके बाद आप स्फीयर लाइट में जाकर भी यहाँ से भी इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ से इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर दी है अभी। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसमें लाइट ऐड हो चुकी है। इस तरह आप वीरे की लाइट में भी जो है इंटेंसिटी ऐड कर सकते हैं, ब्राइटनेस ऐड कर सकते हैं। देखिए और लाइट इसमें ऐड हो चुकी है। अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर अपना स्काई देखना चाहते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो उसको आपने सिंपल कंट्रोल बी प्रेस करेंगे। कंट्रोल बी प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर यूज़ इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड को क्लिक करना है, चेक करना है, उसके बाद अप्लाई टू एक्टिव व्यू कर देना है। ने किया है तो वहाँ बैकग्राउंड जो है आपका वाइट हो चुका है। मेरे ख्याल से इसकी ब्राइटनेस काफ़ी हमने कर दी है, इसको मैं सिंपल 1 पर ले जाऊंगा वापस। अब इसकी अगर आप डायरेक्शन यहाँ पर चेंज करते हैं, जिस तरह ये हॉरिजॉन्टल रोटेशन, इसको मैं 90 कर दूंगा, तो इसकी जो है एनवायरनमेंट की डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। ये आपके पीसी पे डिपेंड करता है कि अगर वो उसका जो है ग्राफिक्स कार्ड काफ़ी हैवी अप्लाई हुआ है, इसमें फिट हुआ है, या कोई सिस्टम की जो है स्पेक्स काफ़ी अच्छी हैं तो वो फ़ौरन आपको शो कर देगा। अब मैं इसमें चेंजिंग्स तो की हैं लेकिन इसके बैकग्राउंड पे इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये एक सेपरेट पीसी है मेरा, इसको मैंने वैसा अपग्रेड नहीं किया। जो 23rd वाला पीसी है जिसमें 3DS Max 23 है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपग्रेडेड है। तो 180 में करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि सूरज की, ये देखें स्काई की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो चुकी है। इसी तरह 90 में आप करके देख सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो 90 में भी डायरेक्शन इसकी जो है चेंज हो गई है, क्लाउड किसी और तरफ चला गया है। इसी तरह 270 अगर मैं करता हूँ तो 270 में जो है ब्राइट वाला स्काई जो है वो इसके पीछे आ गया। तो ये देख, ये जो आप
की बिल्डिंग होगी या जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उस पे जो लाइटिंग आएगी ये उसका इफेक्ट शो कर रहा है। अब इस स्फीयर पे मैं एक मटेरियल अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। मटेरियल लाइब्रेरी आप सबने इंस्टॉल कर ली होगी क्योंकि मैंने इसकी वीडियो काफ़ी डिटेल में अपलोड की हुई है, और इसको डाउनलोड किस लिंक से करना है वो भी मैंने बताया है। तो वहाँ यहाँ से मैं आपको मटेरियल से फोल्डर में जाकर मेटल के, तो यहाँ से एक सिल्वर मैं ऐड टू एडिटर कर देता हूँ, और यहाँ से मैं स्फीयर पर अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई कर दिए तो आप इस पे सिस्टम अभी रेंडर से पहले इसका रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि किस तरह का रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका, लेकिन फाइनल जो इफ़ेक्ट है वो आप रेंडर में ही देख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है इसका, HDRI का भी और क्रोम का भी, जो सिल्वर सिल्वर क्रोम हमने ऐड किया है उसका भी। मैं अभी HDRI में थोड़ी लाइटिंग यहाँ पे तो मैंने ऐड की हुई है, सोच रहा हूँ इसको डोम में भी जाके कुछ लाइटिंग इसकी ऐड करें। ये देखें ये लाइटिंग अभी काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अभी मैं आपको ये स्फीयर रेंडर करके दिखाता हूँ कि इसकी रिफ्लेक्शंस किस तरह की आ रही हैं। देखिए यहाँ पर जो भी आपने लाइटिंग सेट करनी है वो ये रेंडर जो है आपकी इमेज 3D Max में जो भी इमेज आपकी रेंडर होती है वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती, उसको आपने ले जाकर अडोब में भी उसकी फिनिशिंग करनी होती है, कलर सेटिंग करनी होती है, ब्राइटनेस करनी होती है। तो आप कभी भी 3D Max की फाइल जो है रेंडर इमेज जो आपके पास आ रहा है उसको आप फाइनल प्रोडक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे पास रॉ कैमरा इमेज होती है। जिस तरह आप DSLR से कोई भी इमेज बनाते हैं उसके बाद आपको उसको अडोब में ले जाकर उसकी कलर सेटिंग करनी होती है प्रोफेशनली, अगर आपने कहीं पे यूज़ करना है। इसी तरह जो 3D Max की रेंडर फाइल होती है वो भी रॉ कैमरा इमेज होती है, तो उसको अपने अडोब में ले जाकर उसकी अच्छी खासी सेटिंग करनी होती है। तो ये हमारी फाइल तैयार हो चुकी है, इसको आप यहाँ पर जाकर सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर आप इसको PNG में सेव कर लें या JPEG में जिसमें आपने करना है, और इसको आप सेव कर लें, ओके कर। तो ये थी आज की कंप्लीट डिटेल वीडियो कि आपने HDRI डाउनलोड कहाँ से करनी है, और उस HDRI को आपने अपने सीन में, अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले में, कहीं पर भी उसमें अप्लाई करके उसकी लाइटिंग को, कोई भी हमने आर्टिफिशियल लाइट ऐड नहीं की, सिर्फ HDRI की लाइटिंग यूज़ हुई है। आप इसमें देख सकते हैं ये आपका बैकग्राउंड है, और ये आपकी लाइट, कैमरा, और ये स्फीयर है, और ये इस कंप्लीट रिज़ल्ट जो आया है ये HDRI डोम लाइट की वजह से आया है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, वीडियो देख रहे हैं आप, सीख रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है वीडियो बनाने में, और टाइम आजकल आपको पता है टाइम किसी के पास नहीं है, तो टाइम निकालना सबसे मुश्किल है। मैं आप सबके लिए टाइम निकाल रहा हूँ, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे लिए एक मोटिवेशन हो कि लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मैं इससे ज़्यादा और अच्छी वीडियोस बनाऊं और इन्फॉर्मेटिव बनाऊं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।